हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ मिड लाइन प्रोजेक्ट 2021-22 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ली। इसका PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेक 3 सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट रेडियाई, ड्रॉ सर्कल फ्रॉम देम ऑन द ड्राइंग शीट, फाइंड द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर बाय मेजरिंग देयर सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो आंसर में सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसका सर्कमफेरेंस कितना है, डायमीटर है, एंड देन उसका रेशियो बताना है। सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशियो क्या होगा? तो फर्स्ट सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस है 12.6 सेंटीमीटर, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों का जब रेशियो फाइंड आउट करेंगे, 12.6/4 दिस इज इक्वल टू 3.18 सेंटीमीटर होगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट आपको क्लॉक दिख रहा है जिसका सर्कमफेरेंस है 18.9 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा 18.9/6 यानी कि 3.15 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल है जिसका आपका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर। इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे सर्कमफेरेंस और डायमीटर का, 3.14 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑन द ड्राइंग शीट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन विच शुड बी इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, मेजर द एंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। इस तरह से आपको दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, PNQR पैरेलल लाइन, और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइंस ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उनके आंसर देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में पूछा गया द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसका आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को बताना है वो इक्वल कौन सा के होंगे। तो एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल ई, एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ई, एंगल डी का करेस्पॉन्डिंग एंगल एच, एंगल बी का करेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एफ, एंगल सी का करेस्पॉन्डिंग एंगल जी। या फिगर से देखते हैं, एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल ई होगा, एंगल बी का करेस्पॉन्ड होगा आपका एंगल एफ होगा, एंगल डी का करेस्पॉन्ड एंगल एच होगा, एंगल सी का करेस्पॉन्ड एंगल जी होगा। तो इस तरह से आपको बताना है। फिर सेकेंड में आपको पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताना है। तो एंगल डी का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा एंगल एफ, आपको यहाँ पर लिखना है एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बताना है। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर सेकेंड आंसर भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, स्टूडेंट कैन कन्वीनियंटली सेलेक्ट अ पैराग्राफ फ्रॉम अ पेज इन देयर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड मेक अ फ्रिक्वेंटली टेबल यूजिंग वॉवल्स AEIOU दैट अपीयर ऑन दैट पैराग्राफ टू टैली अप रिप्रेजेंट द ऑब्टेंड डाटा विद अ बार ग्राफ। तो इस तरह से आपको एक पैराग्राफ चूज करना है। मैंने कृष्ण देवा राय वॉज नोन फॉर हिज पोर्ट्रेज ऑफ पोएट एंड स्कॉलर्स, ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम राजा वर्मा, ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू कोर्ट एंड आस्क हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर जो वॉवेल लेटर है, ए वॉवेल है 27, ई वॉवेल है 14, आई वॉवेल है 10, ओ वॉवेल है 15 एंड यू वॉवेल है 3। तो इस तरह से आपको इसका टैली मार्किंग ड्रॉ करना है, टैली मार्किंग के बेस पर इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है। बार ग्राफ में मैंने एक्स एक्सिस पर एक बॉक्स इक्वल टू वॉवेल लेटर को लिया और वाई एक्सिस पर एक बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट को दर्शाया। तो इस तरह से आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ए वॉवेल कितने थे, 27, बी वॉवेल ई वॉवेल थे आपके 14, आई वॉवेल है 8 और आपका ओ वॉवेल कितने थे आपके 15 एंड आपका यू वॉवेल जो भी था उसको आपको ड्रॉ करना है। जो भी चीज़ है आपको दिया गया उनको आपको ड्रॉ कर लेना है।
तो इस तरह से आपको सारा चीज ड्रॉ करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, टेक अ स्क्वायर पेपर, डिजाइनेड द लेंथ ऑफ इट्स विदे, लेंथ को आपको ए करना है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, आपको फिगर नंबर ए को देखना है, किसी भी तरह से इसको कटिंग नहीं किया गया है, तो इसका एरिया होगा साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए, यानी कि हो जाएगा ए की पावर ऑफ 2। तो यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ, आप एक बार फ्रिक्वेंटली टेबल को देखकर बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे, इसका बार ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, आप अपनी कन्वेंटली के अकॉर्डिंग भी इसको सजेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका ये आ जाता है क्वेश्चन, इसका किसी भी प्रकार का कटिंग नहीं हुआ है, तो इसका एरिया होगा ए की पावर ऑफ 2 होगा। फिर आपका किसी एक पार्ट को आपको कट करना है, नीचे से आपको कट करना है, तो कटिंग पार्ट का जो एरिया होगा बी इंटू बी, यानी कि बी की पावर ऑफ 2, और रिमेनिंग पार्ट का जब एरिया निकालेंगे तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। उसके बाद आपको फोर्थ फिगर को देखना है, फोर्थ फिगर में आपको अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट का, सबसे पहले एरिया अपर पार्ट का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, एरिया ऑफ लोअर पार्ट का होगा ए माइनस बी इंटू बी, यानी कि हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द टोटल फिगर फोर्थ नंबर का बता रहे हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको कट डाउन करेंगे, ए बी से ए बी कट डाउन होगा, तो यहाँ से लेफ्ट बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 4 आर जो एरिया है वो क्या है, सेम है। तो इस तरह से आपको वेरीफाई करना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और इसके PDF को आप टेलीग्राम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर सारा आपको PDF मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।